मेरे प्यारे देशवासियों, विश्ववासियों, शिक्षार्थियों, हीलर्स, रेकी हीलर्स कुछ गलतियां करते हैं। वो जब इस तरह की गलतियां करते हैं तो उनकी लाइफ में उन लोगों की, उन दूसरे लोगों की प्रॉब्लम आ जाती है जिन लोगों की वो हीलिंग कर रहे होते हैं। असल में ढेर सारे ऐसे हीलर्स हैं जिन्होंने शुरुआत की है या फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ तक पहुंच गए हैं, और वो उनमें से, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन लोगों को पता नहीं होता है, उनके ट्रेनर के द्वारा नहीं बताया गया होता है, और उस वजह से वो प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, रेकी करना छोड़ देते हैं क्योंकि उनकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। बहुत लोगों के कॉल आते हैं कि सर, मैंने जब से रेकी करना शुरू किया तब से मेरी लाइफ में हर तरह की समस्याएं आने लगी, बीमारियां भी आने लगी और धन संपदा की समस्याएं आने लगी, नुकसान होने लगे, एक्सीडेंट होने लगे, रिश्ते टूटने लगे, जबकि रेकी करने के बाद इस तरह की सारी समस्याएं किसी के साथ हैं तो वो सॉल्व होती हैं, सॉल्व होने के बजाय प्रॉब्लम बढ़ रही है, तो क्या करें? तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि ऐसा क्या होता है कि रेकी करने के बाद आपकी ज़िंदगी में समस्याएं आने लगती हैं, यानी कि दूसरे का रोग आपके शरीर में आ जाता है, दूसरे की समस्या आपके जीवन में आ जाती है, आपके घर में फैमिली के कोई भी मेंबर बीमार होने लगते हैं या आप बीमार होने लगते हैं, घाटा लगने लग जाता है, बिजनेस में घाटा लगने जाता है, बिजनेस बढ़ता नहीं है, रुक जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, हॉस्पिटलाइज होते हैं, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ता है, इस तरह की समस्याएं आती हैं। तो इसी समस्या को सॉल्व करने के लिए हमने ये वीडियो बनाई है। बहुत लोगों की कॉल भी आते हैं और हमें ये समझ में आ रहा था कि इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं हमारे स्टूडेंट्स या कहीं और से सीखे हुए दूसरे स्टूडेंट्स हीलर्स, वो सारे हमारे हीलर्स हैं, सारे हमारे स्टूडेंट हैं। मैं विश्व के सभी हीलर्स को अपना साथी मानता हूँ, और जो हमसे सीखना चाहते हैं, जो हमसे सीख रहे हैं, उनको मैं अपना स्टूडेंट मानता हूँ। जो हमसे नहीं सीख रहे हैं उनको मैं अपना साथी मानता हूँ। क्यों? क्योंकि रेकी फील्ड एक ऐसा फील्ड है जिसमें आने के बाद सभी एक दूसरे की ऑरा से कनेक्ट हो जाते हैं, सभी एक दूसरे की एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हैं, और हम एक दूसरे से मिल पाए ना मिल पाए, एक दूसरे से बात कर पाए ना कर पाए, जान पाए ना जान पाए, अगर हम रेकी कर रहे हैं तो रेकी की जो एनर्जी है उस एनर्जी के साथ में जितने लोग भी जुड़े हैं सब एक दूसरे की ऑरा से कनेक्ट हो जाते हैं, और एक दूसरे के ऑरा में एक दूसरे के आइडियाज़ ट्रांसफ़र होते रहते हैं, प्रॉब्लम का सलूशन, उपाय, ये सब आते रहते हैं। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हम कैसे बचें। तो मैंने एक वीडियो बनाई है 3-लेयर शील्ड की। उस शील्ड को आप बनाइए सबसे पहले जब भी हीलिंग करना है किसी के, और उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वीडियो डाउनलोड करके देख लीजिए। और जब आप क्लींज कर लेंगे और हील कर लेंगे अपने पार्टनर को, तब कैसे कट करना है और कार्ड कटिंग कैसे करनी है उसकी भी वीडियो की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। तो इनको आप देख कर जानकारी इकट्ठी करिए अच्छी तरह से, परेशान ना होइए। बहुत लोग रेकी छोड़ देते हैं इन्हीं सब वजहों से कि उनको प्रॉपर उपाय नहीं मिल पा रहा है, गाइडेंस नहीं मिल पा रही है, सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, तरीके नहीं मिल पा रहे हैं, और उनकी प्रॉब्लम बढ़ जा रही है रेकी करने से, तो बहुत लोग छोड़ देते हैं। आप लोग छोड़े नहीं, जिन लोगों ने छोड़ दिया है वो लोग फिर रीस्टार्ट करें, और किसी तरह की और भी कन्फ्यूजन और प्रॉब्लम आ रही है, सवाल आ रहे हैं, तो हमसे जुड़ जाइए व्हाट्सएप पर, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक कीजिए, बेल के आइकन को प्रेस कीजिए सब्सक्राइब करने के बाद, जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे और इससे रिलेटेड और नई नई वीडियो आपको और उपाय सब मिलते रहें, और घर बैठे आप इसको सीखिए। क्योंकि जब ट्रेनिंग लेने की बात आएगी तब तो आपको अलग प्रोसेस करना पड़ेगा, लेकिन आपने ट्रेनिंग कहीं से भी ली है, हमारे चैनल पर आप बने रहिए और
जो उपाय है वो सब उपाय आप यूज करिए, मेथड जो हम देते हैं उनको यूज करिए, जो तरीके बताते हैं उनको आप यूज करिए। सीखा आपने कहीं से भी उससे मतलब नहीं, किसी भी ट्रेनर से सिखाओ, आपको नॉलेज इकट्ठी करनी है, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो हम यहाँ से जो आपको मेथड देते हैं उसको आप इस्तेमाल करिए, उससे आपको 100% रिजल्ट आएगा, निश्चिंत रहिए। कहीं कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, तो आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट करके हमसे जानकारी ले सकते हैं। तो मैं ये बता रहा था कि दूसरे की बीमारी हमारे शरीर में कैसे आ जाती है, जब हम एज ए हीलर दूसरे की हीलिंग कर रहे होते हैं, डायरेक्ट हीलिंग कर रहे होते हैं या डिस्टेंस में हीलिंग कर रहे होते हैं, प्रोसेस आपको पता होगा। तो हमारी ऑरा और उसकी ऑरा एक दूसरे से मर्ज हो जाती है। आप अपने किसी भी पार्टनर को हील कर रहे हैं, उसको मान लीजिए डायबिटीज़ है या सिर में पेन है या फीवर है, बॉडी पेन है या हार्ट की प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम है, स्टोन की प्रॉब्लम है, जॉइंट पेन है, या उसकी लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस से वो गुजर रहा है, धन संपदा की प्रॉब्लम है, गरीबी में आ गया है, कर्ज में आ गया है, या उसके रिश्ते टूट रहे हैं, रिश्तों को मेंटेन करने के लिए हीलिंग करा रहा है आपसे, या उसने ये नहीं बताया कि मेरे रिश्ते खराब हो चुके हैं, बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं परिवार में, और या उसने ये नहीं बताया है कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही लो हो गई है, मैं बहुत गरीब हो गया हूँ या कर्ज में आ गया हूँ, वो उसकी कोई बीमारी है, बीमारी को हील करना है, बीमारी को ठीक करना है, उसके लिए वो हीलिंग करा रहा है और आपको उसने बाकी चीज़ें नहीं बताई और आप हील कर रहे हैं। उससे आपने फी चार्ज ले ली, नाम, एज, एड्रेस, फ़ोटो आपने व्हाट्सएप पे मंगा लिया, टाइम दे दिया, दो टाइम मॉर्निंग नाइट में आप हीलिंग करेंगे, जैसा कि हम अपने यहाँ से करते हैं। हम अपने यहाँ से कमेंट्री भी देते हैं एक एक घंटे की उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कि वो जिस समय हम हीलिंग करते हैं उसी समय वो हमारी हमारे द्वारा दिए गए कमेंट्री को सुन रहा होता है, लेट कर या बैठ कर, उस समय वो कोई भी दूसरा काम नहीं करेगा। कमेंट्री नहीं सुन रहा होगा तो किसी को पार्टनर बनाकर दूसरे व्यक्ति को, उसके फैमिली के किसी दूसरे व्यक्ति को कमेंट्री सुनने के लिए कहा जाएगा, चाहे वो प्रॉब्लम हो कोई या रोग हो, उसके उससे रिलेटेड अलग अलग कमेंट्री डिज़ाइन की गई है, वो कमेंट्री हमारे द्वारा भेज दी जाती है। तो आप एज ए हीलर रेकी ग्रैंड मास्टर हैं या थर्ड लेवल हैं, सेकेंड लेवल हैं, तो आप किसी को भी हील कर रहे हैं तो उसे अफर्मेशन डिज़ाइन करके कमेंट्री फॉर्म में उसे ज़रूर दीजिए कि उसी टाइम पर वो कमेंट्री सुने। उससे क्या होगा कि उसका ध्यान आपकी हीलिंग पर आ जाएगा, और जब आप हीलिंग दे रहे होंगे, रेकी दे रहे होंगे, तो उसको 100% रेकी रिसीव होगी, क्योंकि कमेंट्री से कनेक्टेड होगा, कमेंट्री प्रोग्राम होगी आपकी, और उस कमेंट्री में पॉजिटिव अफर्मेशंस होंगे उसकी प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो वो उससे जुड़ जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा, और आपने उस रेकी जो आपने अफर्मेशन तैयार किया है उसको आपने प्रोग्राम किया हुआ है कि जो भी व्यक्ति इसे सुनेगा वो व्यक्ति हमारे हीलिंग को, हमारी रेकी को पूरी तरह रिसीव करेगा और उसकी प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व होना शुरू हो जाएगी, चाहे वो बीमारी हो या कोई दूसरी प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इन द सेंस कि रिश्ते की प्रॉब्लम है या फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या कोई और भी प्रॉब्लम, इमोशनल या डिप्रेशन, इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम। तो अलग अलग प्रॉब्लम के लिए अलग अलग कमेंट्री आपको देनी पड़ेगी, जैसा कि हम देते हैं। अब जब आप उसको कनेक्ट करते हैं रेकी से हीलिंग के लिए, तो क्या होता है, जैसे कनेक्ट करते हैं तो आपके ऊपर तो वाइट ब्राइट लाइट एनर्जी आ गई और आपको कवर कर लिया, लेकिन उसको आपने शील्ड बनाया और अपने आप को भी शील्ड बनाया, थ्री लेयर शील्ड बनाई, कि शील्ड बना के कवर्ड कर लिया, आप भी कवर्ड प्रोटेक्ट हो गए और वो भी प्रोटेक्ट हो गया, शील्ड में हो गए। अब चूंकि कई लोग पूछते हैं कि सर शील्ड बना देंगे तो क्लींज कैसे करेंगे और रेकी कैसे जाएगी, आप एक हीलर हैं और हीलर के साथ में क्या होता है कि जब हीलर हीलिंग कर रहा होता है तो उसके पास इसकी परमिशन होती है, मतलब वो उसकी ऑरा में जा सकता है, राइट, उसके पास वो स्पेस होता है जाने के लिए, वो रेकी उसकी ऑरा में भेज सकता है। शील्ड बनाने का मतलब ये यही है, कोई दूसरी टॉक्सिन है, दूसरी नेगेटिविटी है, वो बाहर से उसके ऑरा में नहीं जाएगी क्योंकि वो शील्ड हो गया, लेकिन आपकी तो डिवाइन एनर्जी है, उसके अंदर चली जाएगी, जाना है, चूँकि वो प्रोग्राम्ड होता है, इसलिए आपके द्वारा जब रेकी भेजी जाएगी तो उसकी शील्ड, उसके शील्ड के अंदर वो रेकी जाएगी और उसको क्लींज करेगी। क्लींज करके आप उसको सॉल्ट वाटर में डालिए या अग्निकुंड में डालिए, वो एनर्जी उसके अंदर, ऑरा के अंदर जाएगी, शील्ड को क्रॉस करके उसकी ऑरा में जाके क्लींज करके बाहर निकाल देगी नेगेटिविटी, टॉक्सिन जितनी भी है। 2-3 मिनट आपने क्लींज कर लिया, अब चूंकि आप भी प्रोटेक्टेड हैं तो उसकी जो नेगेटिविटी निकल रही है आपके हाथों के द्वारा वो इतनी दूरी पर रहेगी, तो आपको लास्ट में क्लींज करना है,
लेकिन जो एनर्जी उसमें जा रही है, अब वो जो नेगेटिविटी निकाल रहे हैं प्रोटेक्टेड हैं, तो पू और रेकी एनर्जी भी आपको फ्लो कर रही है, कवर्ड किया हुआ है और प्रोटेक्टेड भी हैं आप रेकी एनर्जी से, तो उसकी जो टॉक्सिन निकालेंगे आपके बॉडी में, आपकी ऑरा में ट्रांसफ़र नहीं होगी फाइनली। लेकिन कुछ ऐसी जिद्दी नेगेटिव एनर्जी होती है, चूँकि आप जब शील्ड बना देते हैं तो जो बिना शील्ड बनाए जब आप हील करेंगे तो पूरी तरह से मर्ज हो जाएगी दोनों की ऑरा, दोनों की ऑरा मर्ज हो चुकी रहेगी, तो उसकी नेगेटिविटी जो भी है वो आपके ऑरा में आएगी। और आपकी तो पॉजिटिविटी है, आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी हैं, पॉजिटिव में हैं और डिवाइन एनर्जी के साथ हैं, अब आप उसको हील कर रहे हैं, तो आपकी पॉजिटिविटी उसके अंदर जा रही है, लेकिन जो उसकी नेगेटिविटी, जो टॉक्सिन बीमारी प्रॉब्लम्स निकल रही हैं, वो आपकी ऑरा में ट्रांसफ़र हो रही है, चूँकि पूरी तरह से ट्रांसफ़र नहीं होगी, कुछ 10% 20% 50% तक आएगी, पूरी तरह से नहीं आएगी। तो अब लास्ट में जब आप क्लींज कर लेंगे तो वो साफ़ हो जाएगी, लेकिन उसकी ऑरा आपके अंदर ना आए इसके लिए आपने शील्ड बना लिया, फिर भी लास्ट में क्लींज कर लेंगे हीलिंग के बाद, तो कहीं कुछ हाथ में लगा है तो उसकी एनर्जी नेगेटिविटी है, तो वो क्लींज हो जाएगी, साफ हो जाएगी, थोड़ी बहुत रहेगी तो भी। लेकिन अगर आप शील्ड बनाए ही हीलिंग कर रहे हैं तो उसकी नेगेटिविटी कुछ तो सॉल्ट वाटर में चली जाएगी, कुछ तो अग्निकुंड में चली जाएगी, लेकिन कुछ आपकी ऑरा में आ जाएगी, क्योंकि ऑरा दोनों की मर्ज हो चुकी है, मिक्स हो चुकी है, जब आप उसको कनेक्ट करते हैं अपने पार्टनर को रेकी कॉल करके, उसको ऑनशाजेशन लगा के कनेक्ट करते हैं, तो उसकी पूरी ओरा आपकी ओरा में आ जाती है, मिक्स हो जाती है और आपकी उसमें चली जाती है। आप हीलिंग कर रहे हैं उसको तो बेनिफिट आ रहा है, उसको तो डिवाइन एनर्जी जा रही है, उसको रेकी एनर्जी जा रही है, आप जो सिंबल्स दे रहे हैं वो सारे सिंबल्स की पावर उसके अंदर जा तो रही है, लेकिन वो उसके अंदर से जो नेगेटिविटी है, कचरा है, गंदगी है, जो दर्द है, जो बीमारी है, जो प्रॉब्लम है, वो तो बाहर निकल रही है हीलिंग के टाइम पर। पहले आपने क्लींज कर लिया तो पूरी तरह तो क्लींज हुआ नहीं, लेकिन जब आप हील कर रहे हैं तो हीलिंग के टाइम पर डिवाइन एनर्जी, रेकी एनर्जी तो उसकी ऑरा में जा रही है, लेकिन उसी के साथ में दूसरी तरफ से उसकी जो गंदी एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है, बीमारी की है, जो डिप्रेशन है, वो सब बाहर हो रही है, निकल रही है, तो वो कहाँ जाएगी, वो आपकी ऑरा में ही आएगी। तो अब फिर लास्ट में आपको क्लींज करना है, क्लींज कर ले, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ 2-4-5% 10% आपकी ऑरा में रह जाएगी। अब क्या करेंगे, फिर अगले व्यक्ति की हीलिंग करेंगे, फिर दूसरे की हीलिंग करेंगे, फिर तीसरे की हीलिंग करेंगे, तो वो थोड़ी 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 आपके जीवन में वो प्रॉब्लम आती रहेगी, वो बढ़ते बढ़ते बढ़ती चली जाएगी। चूँकि एक जो प्रोसेस है, प्रोफेसर मकाउसो ने ये प्रोसेस बताया कि जब कोई रेकी मांगे तभी आप रेकी दें, उसके बदले में आप उससे फी चार्ज ले लें, तो ये दोनों यानी एक्सचेंज एनर्जी, एनर्जी को एक्सचेंज करने के लिए आप उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, बीमारी ठीक कर रहे हैं, उसके बदले में आप क्या ले रहे हैं, उसके बदले में आपने उससे फी चार्ज, रुपए के रूप में फी चार्ज ले लिया, और तो आपने एनर्जी उससे ले ली, अब उसके बदले में एनर्जी दे रहे हैं, तो एक्सचेंज हो गई। अगर आपने एनर्जी उससे नहीं ली, फ्री में कर रहे हैं, बहुत लोग ये गलती करते हैं, रेकी करने के बाद दुनिया कल्याण करने निकलते हैं और उन्हीं का कल्याण नहीं होता है, प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, तो ऐसे लोग बिल्कुल ही फ्री में रेकी ना करें, बिना मांगे रेकी ना करें, एकदम स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है हमारी तरफ से आप लोगों को। इसी वजह से बहुत ढेर सारे लोग रेकी के बारे में गलत धारणाएं बना लेते हैं कि ये तो रेकी सीखने के बाद हमारी प्रॉब्लम बढ़ रही है घटने की बजाय, या ये कोई जादू टोना तंत्र मंत्र है, हमारा ही नुकसान हो रहा है, तो वो एक अफवाह फैल जाती है समाज के अंदर, जिसकी वजह से बहुत लोग कहते हैं कि रेकी नहीं सीखनी है। तो बहुत ढेर सारी महिलाएं हैं जो हाउसवाइफ हैं घर में, उनके पास टाइम भी ज़्यादा है, घर के काम निपटाने के बाद वो फ्री भी हैं, कुछ करना चाहती हैं, तो वो लोग नहीं कर पा रही हैं, चाहती भी हैं, तो उनके घर के लोग जो जेंट्स पर्सन हैं, उनके हस्बैंड या दूसरे मेल पर्सन हैं, वो लोग मना कर देते हैं, औरतों को एकदम दबा देते हैं कि आप ये नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हें नहीं करना है, ये बकवास है, क्योंकि उनकी गलत धारणाएं कहीं से सुन लिया कि रेकी उन्होंने किया तो उनकी प्रॉब्लम बढ़ गई, उनकी बीमारी बढ़ गई, तो ये नहीं करना, ये कोई जादू टोना तंत्र मंत्र है, अब तुम क्यों करोगे, इस पे कैसे करोगे। लेकिन जब से ऑनलाइन ट्रेनिंग लोगों ने लेना शुरू किया घर बैठे, तब से इसमें महिलाओं की संख्या बहुत बढ़ी है, क्योंकि उनको एक बहुत बड़ा गोल्डन चांस मिला है कि वो घर में बैठे बैठे ही ट्रेनिंग ले पा रही हैं, कहीं उनको जाने की जरूरत नहीं है। तो बहुत बार ये हुआ है कि उन्होंने अपने पति से चुपके से ट्रेनिंग ले ली और हीलिंग करना शुरू किया, सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो किए, अब उनको फायदा हो रहा है और उनके पति को भी फायदा हो रहा है। कई बार उनके पति के लिए उन्होंने रेकी कर दी, अच्छा रेकी किसी तरह से कर दिया, दूसरे तरीके से छुप छुपा के,
बताकर या किसी को पार्टनर बनाकर उससे ले लिया फीचर्स अपने बच्चों को कि अपने पिता की तरफ से रेकी मांगो और उसके बदले में 10-11 रुपये हमें दे दो और मैं उनको हीलिंग करूँगा, उनकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो जाएगी, जॉब लग जाएगी या प्रमोशन हो जाएगा, उनका उनकी प्रॉपर्टी डीलर है तो प्रॉपर्टी बिक जाएगी, तो वो धीरे धीरे उनके हस्बैंड के काम होने लग गए। तो फिर उनको पता चला कि हमारी वाइफ ने रेकी सीखी है और वो रेकी करती है तो हमारा काम होता है, हमारी बीमारी ठीक होती है। तब फिर उन्होंने परमिशन देना शुरू कर दिया, ठीक है अब आप करो, हम आपकी फ़ी देंगे और आगे बढ़ो, तो वो खुद फी देने लग गए। ऐसी कई घटनाएं हैं जिनका मैं नाम लेकर इसमें नहीं बताना चाहता हूं। बहुत लोग ऐसे जुड़े हुए हैं जो इतने चेंजेस आ रहे हैं जिनकी लाइफ में। तो ऑरा जब मर्ज हो जाती है तो उसको इस तरह से आपको प्रोटेक्ट करके हीलिंग करनी है, नहीं तो आप अपनी रेकी भी नहीं कर पाएंगे, छोड़ देंगे और प्रॉब्लम बढ़ाकर अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लेंगे। तो रेकी में ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। हमने ओवरऑल इस टॉपिक पर बिल्कुल व्यवहारिक तरीके से आपको बताने की कोशिश की है, फिर भी कहीं ना समझ में आया हो तो आप ज़रूर व्हाट्सएप पे कनेक्ट करें और सवाल पूछें, हम आपको बताएंगे। आगे बढ़ें, डरे नहीं, रेकी एक प्योर शुद्ध ऊर्जा है जो यूनिवर्सल ऊर्जा है, डिवाइन ऊर्जा है, इसके साथ देवी देवताओं का कनेक्शन होता है। जब आप रेकी कॉल करते हैं तो देवी देवताएं आपकी मदद करने के लिए आ जाते हैं और एक शुद्ध ऊर्जा है जो आपकी ऑरा में जाती है, आपके शरीर में जाती है, तो शरीर के सारे टॉक्सिन निकालती है, बीमारियों से लेकर इमोशनल प्रॉब्लम जो होती है, गुस्सा एंजाइटी सब खत्म होती है, मेंटल जो डिस्टर्बेंस होता है, माइंड प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम रहती है, गलत माइंड प्रोग्रामिंग रहती है वो भी खत्म होती है, और फिर आपके फिजिकली अगर कहीं कोई बीमारी है वो भी ठीक होती है और रिश्ते भी अच्छे होते हैं, लाइफ ब्यूटीफुल हो जाता है। थैंक यू।